सुबह सुबह राइड पे आना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, तो मैं आजकल शाम पे राइड पे निकलता हूँ। और यहाँ पे हमारा एक न्यू हेलमेट है जिसके अंदर आता है MIPS टेक्नोलॉजी, और ये जो चश्मा मैंने किडनी बेच के खरीदे थे इसे मैं अपने आंखों पे पहन के जा रहा हूँ अभी राइड पे। और यहाँ पे रही मेरी ओमो और फैट बाइक, एंड यहाँ पे हमारा स्पीडोमीटर रहा। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं रोड पे, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्टली मरीन ड्राइव के पास। 7.8 किलोमीटर चलाने के बाद मैं डायरेक्टली आता हूँ ऑन मरीन ड्राइव। और यहाँ पे आपने दो तरीके ग्रिप्स में यूज करता हूँ, वो आपने देख लिया होगा। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद मैं डायरेक्टली वहाँ से निकल जाता हूँ, एंड निकलने के बाद सबसे पहले पीता हूँ कोको कोला डाइट। वहाँ से कोको कोला पीने के बाद मैं डायरेक्टली निकल जाता हूँ डिकैथलॉन की, क्योंकि हमारी गियर्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ी देर एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि जो हमारा डिरेलर हैंगर है वो बेंड हो चुका है। डिरेलर का हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। उसके बाद हम लोग एक हैंगर अलाइनमेंट का टूल यूज करके उसको जल्दी से फिक्स कर देते हैं, एंड उसके बाद जो हमारा गियर शिफ्टिंग है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। अगर आपको ऐसी और अमेजिंग साइकिलिंग ब्लॉग्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।